नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन चाट की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप में से जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से भरा हुआ चाट बनाना। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये चने लिए हैं, ये 2 कप चने मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। तो हमें इतना पानी डालना है कि जिसमें ये अच्छी तरह से डूब जाए, और पानी डालने के बाद इसे हमें ढक कर रख देना है 6 से 7 घंटे के लिए। 6 से 7 घंटे में ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। और आप जिस भी बर्तन में चने को भिगो कर रखें वो बर्तन बड़ा यूज़ करें, क्योंकि जब ये सॉफ्ट हो जाता है तो इसकी क्वांटिटी दुगनी हो जाती है। अगर आप छोटे बर्तन में भिगोएंगे तो ये अच्छी तरह से सारे चने जो है सॉफ्ट नहीं होंगे, तो ऊपर के सॉफ्ट हो जाएंगे, नीचे के बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे। तो आप है ना इसे देखिए 7 घंटे बाद देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। आप इसे इस तरह से अंगूठे से भी चेक कर सकते हैं। अंगूठे से ये 2 पीस इसके बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसका सारा पानी हमें निकाल के हटा देना है। और फिर मैं लूँगी एक कपड़ा। तो मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है। तो आप कोई भी है ना चुन्नी ले सकते हैं या कोई भी साफ़ कपड़ा ले लें और उसके अंदर इसे डाल दें और फिर इसे अच्छी तरह से पैक कर दें, इसकी पोटली सी बना दें और इसे बांध दें। और इसे फिर टांग के रखना है, कहीं पर भी आप अपने किचन में कहीं पर भी इसे टांग कर रख दें ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए और इसके अंदर जो रूट है वो बहुत ही आसानी से, जो अंकुरित जिसे कहते हैं ना अंकुरित होना, तो वो बहुत ही आसानी से हो जाए। तो अब मैं इसे रख दूँगी 2 दिन के लिए। इसे आपको रखना है 2 दिन बाद है ना इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से ये अंकुरित हो जाता है और जिससे जो चाट है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन जाती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से 2 दिन में ये अंकुरित हो गया है। 2 दिन में ये बहुत ही अच्छी तरह से अंकुरित हो जाता है। तो आप चने के साथ मूँग को भी इसी तरह से अंकुरित कर सकते हैं। और आप ये देखेंगे चने के एक एक दाने को आप देखेंगे ना अच्छी तरह से वो अंकुरित हुआ है। आप देखेंगे कितनी अच्छी तरह से ये अंकुरित हो चुका है। तो अगर अब हम इसका चाट बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चाट होगा और खाने में ये जितना टेस्टी लगेगा उससे भी ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। बहुत ही प्रोटीन से भरा हुआ चाट है। तो चलिए अब इसका चाट बनाते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और ये मैंने डाल दी है इसके अंदर 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी ये बारीक कटा हुआ पुदीना। तो आप है ना पुदीने की जगह धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा रेगुलर नमक जो हम घर में डेली यूज़ करते हैं। तो नमक की क्वान्टिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी चाट मसाला और लास्ट में इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस। तो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर मसाले ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अगर आप ये चाट बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसके अंदर आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह सिर्फ रेड चिली पाउडर ही डाल सकते हैं या फिर उसे भी स्किप कर सकते हैं। उसके बिना भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो इसे अच्छी तरह से मिलाना है और उसके बाद बनकर तैयार हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्थी प्रोटीन चाट बनकर तैयार है। तो इसी तरह से चने का ये प्रोटीन से भरा हुआ चाट बनाएं और इसे सर्व करें। इसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खाने में ये टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है।